प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि अगर एक फैमिली में कोई एक मेंबर चाहता है कि वो लहसुन प्याज नहीं खाए, तामसिक भोजन ना करे, और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स करते होंगे, तो क्या किया जाए इसके लिए? मतलब कोई एक अगर आदमी चाहता है कि वो कीर्तन करे, भजन करे, जप करे, ये सब में प्रॉब्लम नहीं होता उतना, पर अगर खाने पीने में अगर हो तो क्या किया जाए? एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब घर में एक व्यक्ति वैष्णव बनना चाहता है और बाकी घर के लोग वैष्णव नहीं है, वैष्णव मतलब जो लहसुन प्याज भी नहीं खाता, भगवान के नाम की माला जपता है और जिसने मंत्र दीक्षा ले रखी है, वो व्यक्ति। अब आप विचार करके, नहीं एक दे दीजिए, एक एक प्रश्न है, बाकी लोगों का नंबर आएगा। अब एक चीज समझिए, पहली बात तो धर्म कहता है वो सौभाग्यशाली परिवार होता है जिसके घर में, जिसके कुल में कोई भक्त पैदा हो जाए। लेकिन हम कलयुग में रहते हैं, हम कलयुग में रहते हैं और हमारे बीच में ही वो सारे लोग रहते हैं जो हमारी भक्ति को कभी भी ऊपर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि अगर वो आपके साथ हो जाएंगे तो फिर वो कीचड़ में रहना पसंद। देखिए, ये संसार एक कीचड़, और ज्यादातर लोग सोचते हैं अब तो इसमें आनंद आने लगा है, अब इससे बाहर नहीं निकला जाए, तो वो लोग अपने स्वाद बदलना नहीं चाहते, वो लोग अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। लेकिन ऐसी स्थिति जब घर में आती है कि एक व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल रहा है और वो अपने नियम धर्म को पूरा करना चाहता है, तो मेरा निवेदन यह है कि वो इस चीज पर विचार न करे कि कौन क्या कर रहा है, इस चीज पर बिल्कुल विचार न करे कि कौन क्या कर रहा है। ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें पार जाना है, उन्हें वहीं रहना है, इसलिए मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी और अपने आप को इस भीड़ में से निकाल के आगे ले जाना पड़ेगा। इसमें तुम्हारी मदद तुम्हारा परमात्मा करेगा, तुम्हारे गुरु करेंगे। अपने मंत्र को साधो, अपने ईश्वर में विश्वास रखो। जब वो जलती चिता से एक भक्त को वापस निकाल सकता है, जब पहाड़ से गिरने पर उसको बचा सकता है, तो ये तो मामूली सा दर्शन है। बस अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास करो। साधुवाद।